हेलो एवरीवन, आज हम लोग और एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ गुड्स। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग टर्म्स सीखे थे, और अकाउंटिंग टर्म्स के बाद वाले वीडियो में हमने देखा था ट्रेडिशनल मेथड, है ना। तो ट्रेडिशनल मेथड एक बार रीकैप करते हैं बिफोर हाफ वी गो टू जर्नल एंट्रीज। तो ट्रेडिशनल मेथड में जो भी अकाउंट्स होते हैं बच्चों, अकाउंट्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग का अकाउंट या किसी कंपनी का अकाउंट, और उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है रियल अकाउंट का, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब जैसे आप जान सकते हैं कम्स इन एंड गोज आउट, तो वो कोई थिंग होना चाहिए क्या, या तो वो गुड्स हो सकते हैं या फिर वो एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन है नॉमिनल अकाउंट, और जैसे रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मतलब ये जो नॉमिनल अकाउंट है वो इनकम या एक्सपेंसेस का हो सकता है। बच्चों ये रूल जानना बहुत 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 ज़रूरी है, और ये बेसिक फाउंडेशन है अकाउंट्स का, इसीलिए इसको गोल्डन रूल्स बोला जाता है। और ये रूल मैं तो कहूँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मरते दम तक ये रूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री सीखने के लिए ये रूल बहुत ही ज़रूरी है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पहला वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आइए आज इस वीडियो की सीरीज़ में, अच्छा हमने क्या किया है, हमने सारे जो जर्नल एंट्रीज हैं उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स है, गुड्स है, एक्सपेंसेस है। तो हम वन बाय वन सारे वीडियोस में ये एंट्रीज सीखने वाले हैं। आज का ये पहला वीडियो है जहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स सीख रहे हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। तो गुड्स का क्या मतलब, पहले वो जान लेते हैं। गुड्स का मतलब जो मैं डील कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट में, से एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है और मैं मोबाइल बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स होगा। अगर मैं एक कार डीलर हूँ और व्हीकल्स बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ तो कार्स मेरे लिए गुड्स होंगे। अगर मैं एक रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप चलाता हूँ तो रेडीमेड गारमेंट्स मेरे लिए गुड्स होंगे। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ तो कोचिंग क्लासेस में मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, तो वो एयर कंडीशनर मेरे लिए गुड्स नहीं है क्योंकि मैंने उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, वो मेरे लिए एसेट होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स की, आज हम सिर्फ परचेज की एंट्री करने वाले बच्चों, सेल्स की एंट्री नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री जो है वो गुड्स का परचेज होना चाहिए, एसेट का नहीं, वो हम दूसरे किसी वीडियो में करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी जर्नी पे जहाँ पे एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स सीखते हैं। तो पहला है कैश परचेज। कोई भी ट्रांजैक्शन बच्चों या तो क्रेडिट परचेज हो सकता है या कैश परचेज हो सकता है। कैश परचेज मतलब मैंने गुड्स खरीदे और मैंने सामने जो सप्लायर है उसको मैंने कैश दे दिया। तो जैसे मैंने पहले बताया था मैं मोबाइल डीलर हूँ, तो मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मोबाइल्स खरीदे बेचने के लिए, तो परचेस किया और वो डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने कैश पे कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक अकाउंट है कैश और दूसरा अकाउंट क्या होगा, दूसरा अकाउंट होगा गुड्स का अकाउंट, ठीक है ना। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश एक थिंग होता है तो कैश रियल अकाउंट है और गुड्स भी रियल अकाउंट है। ये ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है या जा रहा है, तो ऑफ कोर्स गुड्स परचेज करेंगे तो कैश देना पड़ेगा। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा भाई कैश। और गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स अंदर आ रहे हैं मेरे पास जिसको मैं यूज करूंगा बेचूंगा, तो गुड्स अकाउंट को डेबिट करूंगा। अच्छा, गुड्स अकाउंट में नहीं लिखूंगा, इसके जगह पे मैं नाम लिखूंगा परचेज। जब जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो परचेज अकाउंट लिखूंगा बच्चा, ठीक है। क्रेडिट परचेज, ये सेकेंड ट्रांजैक्शन है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने
गुड्स परचेस किए जो डिस्ट्रीब्यूटर था मेसर्स एबीसी, मेसर्स एबीसी से हमने गुड्स परचेस किए और ये क्रेडिट परचेज है, मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ा टाइम मांगा कि हम आपको पैसे देंगे पर हमें 2 महीने का टाइम दीजिए भाई, तो उन्होंने अग्री किया। तो मैं उसको पैसे कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। तो अब इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन से हैं, तो एक है कैश अकाउंट है क्या, नहीं ऑफ कोर्स नहीं है, अभी कैश थोड़ी दे रहा हूं। तो अभी एक अकाउंट हो गया मेसर्स ए बी सी और दूसरा अकाउंट हो गया गुड्स। मेसर्स एबीसी कौन सा अकाउंट है, सॉरी तो मेसर्स एबीसी पर्सनल अकाउंट है और गुड्स कौन सा अकाउंट है, गुड्स ऊपर ही लिखा हुआ है हमने रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मेसर्स एबीसी कौन है ये ट्रांजैक्शन में, वो गिवर है भाई, वो हमें गुड्स दे रहे हैं और बदले में अभी पैसा नहीं ले रहे हैं। और रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में गुड्स आर कमिंग इन, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं आज। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, गुड्स आर कमिंग इन तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर तो मेसर्स एबीसी जो गिवर है उसका अकाउंट क्रेडिट हो। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट और एबीसी अकाउंट क्रेडिट। आप नोट करिए कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है ये डिपेंड करता है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो मेसर्स एबीसी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब बच्चों आप नोट करिए, अगर हम कैश परचेज करने जाते हैं गुड्स तो नॉर्मली उसके इनवॉइस पे चालान पे लिखा होता है कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, है ना। तो नॉर्मली होता है कि क्रेडिट परचेज में ही गुड्स रिटर्न होते हैं, कैश परचेज में गुड्स एक्सचेंज हो सकते हैं। तो मान लेते हैं एबीसी से हमने जो भी मोबाइल्स खरीदे उसमें से कुछ मोबाइल्स डिफेक्टिव थे तो हमने उनको कुछ मोबाइल्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, अच्छा उसको रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, आउटवर्ड वर्ड इसलिए क्योंकि हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स हमारे पास से बाहर जा रहे हैं, या फिर उसको परचेज रिटर्न भी बोला जाता है, ऑल्टरनेटिवली कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो यहां पे 2 अकाउंट्स कौन से हैं बच्चों, तो एक अकाउंट है गुड्स और दूसरा अकाउंट है कौन, मेसर्स ए बी सी। आप नोट करिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो सेकेंड ट्रांजैक्शन से एकदम ही ऑपोजिट है, उल्टा है। तो गुड्स अकाउंट है रियल अकाउंट और एबीसी अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो गुड्स आर गोइंग आउट, बाहर जा रहे हैं भाई, गोइंग आउट। तो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करना है। पर जैसे मैंने बोला हमने परचेज के टाइम गुड्स अकाउंट नहीं लिखा था, हमने परचेज अकाउंट लिखा था, तो वैसे ही हम यहां पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज रिटर्न। तो जब गुड्स परचेज किए थे तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया। ये गुड्स किसको मिल रहे हैं, मेसर्स एबीसी को हम लौटा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो मेसर्स एबीसी रिसीवर होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो मेसर्स एबीसी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न का क्या एंट्री हो गया बच्चों, मेसर्स एबीसी अकाउंट डेबिट हुआ और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये थी एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। आई होप आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।